सितम गर ये कुर्बत क्या करें। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लिए चलो घर साथ चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जैसे आई थी वैसे चली जाऊंगी। एक जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ तो जो भी बात है घर में कर लीजिएगा। अच्छा सुनो ना, क्या कर रहे हैं आप? सब लोग देख रहे हैं, हाथ छोड़े। लेकिन घर पे मौका ही कहाँ मिलता है। देखो मुझे बस तुमसे थोड़ी देर सुकून से बैठ के एक जरूरी बात करनी है। आई नो आज सदफ नहीं आई कॉलेज, लेकिन और बहुत से लोग हैं, अजीब लगता है सबके सामने। बस थोड़ी देर बात करनी है, इतना तो ट्रस्ट कर सकती हो तुम मुझ पे। प्लीज से यस। ओके थैंक यू। मैं कहीं जाऊंगी नहीं, जो भी बात करनी है यहीं करें। लेकिन हम लोग अंदर लंच करते हुए भी तो बात कर सकते हैं। लंच का मेरा मूड नहीं है, आपको कोई जरूरी बात करनी थी ना, वो करें और फिर घर चलेंगे। लेकिन क्यों, प्रॉब्लम क्या है? आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं खुद ही चली जाती हूँ। ओके रिलैक्स, हम यहीं पे बात करते हैं। बताएं क्या बात करनी थी आपको। बात तो वही है जिसे शायद तुम समझती जरूर हो, लेकिन आज तक मैं ठीक से इकरार नहीं कर पाया। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, शदीद वाली मोहब्बत, इतनी कि अगर तुम ना मिली तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। ये दावा आप मुमानी जान और बाकी सब घर वालों के सामने कर सकेंगे? बिल्कुल। तो फिर तो आप उनका रिएक्शन भी जानते होंगे। लेकिन मुझे किसी के रिएक्शन की कोई परवाह नहीं है, परवाह है तो बस तुम्हारी। मेरी? आप जानते भी हैं कि ये बात सुनने के बाद मुमानी जान का रिएक्शन क्या होगा। वो और तो कुछ नहीं करेंगी, सिर्फ मेरे किरदार पर उंगली उठाएंगे। तुम बस हाँ कह दो, बाकी सब मैं देख लूं। हाँ कर दूं, ये जानते हुए भी कि आपके घर वाले हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं, मैं हाँ कैसे कर सकती हूँ और क्यों? आपके घर वाले चंद रोज में ही हमसे बेजार हो गए। आपको क्या लगता है कि मुमानी जान आपकी बात सुनने के बाद खुशी से मुझे अपना लेगी, सारी नफरत उनकी मोहब्बत में बदल जाएगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने कहा ना, तुम सब मुझ पे छोड़ो, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं छोड़ सकती, और प्लीज आप भी आज के बाद दोबारा मुझसे ऐसी कोई बात मत कीजिए। अब आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे? तो बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? उन लोगों के रिएक्शन की वजह से मैं तुमसे मोहब्बत करना तो नहीं छोड़ सकता ना। सुफियान प्लीज, मुझे झूठे ख्वाब देखने की आदत नहीं है, आप प्लीज मुझे घर पे ड्रॉप कर दें। एक रिक्वेस्ट, तुम एक बार ठंडे दिल से मेरी मोहब्बत को महसूस करके देखो और फिर जवाब दो, मुझे कोई जल्दी नहीं। सोचने समझने से इंसान के ख्यालात बदलते हैं, नजरियात नहीं, और मेरा फैसला अटल है। जहां मेरी इज्जत नहीं वहां मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
ये हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AY डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।